डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर बिल्कुल सही कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर सक्सेस मिनट। मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे बिल्कुल आसानी से, इन तीन आसान तरीके से आप लोग इजीली इंग्लिश को सीख सकते हो। सो जैसे कि मैंने बताया, आपको जलना पड़ेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। सो सबसे पहली टिप, लोग क्या सोचेंगे ये आप लोग सोचना बंद कर दो। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इस बात से डरते हैं कि अगर मैंने ये किया तो लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इसी डर की वजह से हम लाइफ में कई बार कई चीजों में सक्सेस नहीं हो पाते, या फिर पहली बात तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। हम इस बात से डरते हैं कि लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। बस यही चीज हमारे इंग्लिश के साथ हो रही है। हम लोग बोलना चाहते हैं, कोई ओकेजन पे हम बोलना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मेरे पे हंसेंगे। और इसी वजह से हम कभी भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट ही नहीं करते। जब आप किसी चीज को स्टार्ट ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, कंप्लीट कैसे करोगे उसे। तो सबसे पहला स्टेप है, इस डर को हटा लो। देखो, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब हम कभी भी ये चीजें सोचते नहीं थे, इसीलिए हम लोग नई नई लैंग्वेज छोटे होते तब सीख जाते थे। हम कैसे बोलना सीखे, क्योंकि तब हमें किसी बात का डर नहीं लगता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोगों से डरने लगे हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसके कारण हम कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस डर को सबसे पहले हमें भगाना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि 10 साल की उम्र तक हमें परवाह नहीं होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसके बाद 10 से 50 साल तक हम यही डर में जीते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और 50 साल के बाद हमें पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था, तो फिर क्यों सोचे। सो फ्रेंड्स, इस डर को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव पढ़ाई कर सकते हो। अनअकैडमी आप सबके लिए लिखा है टॉप 50 एजुकेटर्स, जो आपको मराठी, हिंदी और इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स कवरअप करवाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग डेली बेस पे फ्री लाइव क्लासेस, फ्री डेली क्विज देख सकते हो। सिंपली इन क्वीज को और लाइव क्लासेस को आपको एक्सेस करने के लिए एक कोड लगेगा, जो आपको अप्लाई करना है, YSM10 कोड, जिससे आपके सारे क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे और आप बिल्कुल देख पाओगे। ये थी फ्री प्लेटफॉर्म की बात। आप लोग अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप नॉमिनल फीस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। जो भी आपका, फॉर एग्जाम्पल, आप 3 या 6 मंथ्स के साथ जाना चाहते हो तो आप लोग YSM10 कोड वहां पे भी अप्लाई करोगे तो पेड प्लेटफॉर्म पे भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब फ्रेंड्स, हम लोग सेकेंड टिप पे बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर आपको डर लगता है कि सर मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों के सामने इंग्लिश बोलिए जो इंग्लिश जानते ही नहीं है। जैसे कि आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके सामने इंग्लिश बोलिए। देखो, अगर आप उनके सामने इंग्लिश बोलते हो तो उनको कुछ चीजें पता नहीं चलेगी, तो आप कुछ गलत बोलोगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। या फिर ऐसे लोगों के सामने बोलिए जिनको इंग्लिश कम आता है, और ये चीज आपको अपने रूटीन में लानी पड़ेगी। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि आपके सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो कभी उनके साथ बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए, भले उनको ना पता चले, लेकिन हमारा तो फायदा हो रहा है कि नहीं। तो आपके छोटे भाई बहन है उनके साथ, उनको भी ये हैबिट लगाइए, तो आप लोग साथ में ये चीज को सीख सकते हो। तो उन लोगों के सामने इंग्लिश बोलिए जो नहीं जानते हैं। अब देखो, आप लोग आज से स्टार्ट करोगे, अगर आप लोग आज से स्टार्ट करोगे, सोचो आप किसी से डरते नहीं और आज से स्टार्ट करते हो, तो 1 साल के बाद मैं आपको 110% बोलता हूं कि आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन अगर इस डर में जियोगे और स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो 1 साल के बाद आप यही चीजें सर्च करोगे कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। ओके, सो ये चीज को पहले आपको बंद करनी है, इस डर को पहले आपको हटाना है। थर्ड थिंग, स्टार्ट यूजिंग इन योर डेली कन्वर्जेशन, यानी कि आपको जो रूटीन बातचीत होती है उसमें आप लोग इंग्लिश को लाइए। जैसे जैसे धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करता हूँ, धीरे धीरे आप इसको ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी लोग वीडियो देख रहे हो और किसी का कॉल आ गया और आपको लगता है कि कॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं। तो हम लोग फोन में ऐसा बोलेंगे कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, अभी इसको कैंसिल कीजिए। आपको क्या करना है, कैन आई कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम, क्या मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है, कैन आई कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम। कुछ चीजें धीरे धीरे आएगी, पहले रूटीन वाले वर्ड्स लाइए। सेकेंड,
आई एम सॉरी, जैसे कई बार हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं और सामने वाले की आवाज़ नहीं आती ड्यू टू नेटवर्क इश्यू और कुछ कुछ रीजंस की वजह से। आई एम सॉरी आई कांट हियर यू, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू, या फिर आई एम सॉरी योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, ठीक से नहीं आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रही। तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कीजिए। और मैं यहाँ पे वर्ब स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वर्ब स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर जो रूटीन में जो वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज होते हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या करना है, लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद उन लोगों के सामने इंग्लिश बोलिए जो नहीं जानते हैं। देन आफ्टर स्टार्ट यूजिंग इन योर डेली कन्वर्जेशन, जो आपका रूटीन बातचीत होती है उसमें इंग्लिश को आप लाइए। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप लोग अन अकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी मैंने आपको लिंक शेयर किया है वहाँ पर आप जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उसमें जितने भी फ्री लाइव क्लासेस हैं उनका भी बेनिफिट लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ हेल्प की है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।